स्मित हास्य किया है, जगत को समझाया है, किसी के यहाँ भी मांगने के लिए जाओ तो प्रथम उसकी थोड़ी प्रशंसा कर, फिर मांगना। शक्कर से भी मिठास प्रशंसा में ज्यादा होती, उसकी प्रशंसा कर, उसके माता पिता की प्रशंसा कर। आजकल ये श्रीमान लोगों के घर में स्त्री का ही राज होता है, घर वाली की प्रशंसा करो तो जरूरी ज्यादा मिल जाएगा। जगत को समझाया है, प्रशंसा की है, प्रहलाद जी के वंश में आपका जन्म हुआ है। 5 वर्ष के प्रहलाद जी थे, उनका वचन सत्य करने के लिए परमात्मा स्तंभ में से प्रकट हुए थे। प्रहलाद जी महाराज बड़े भगवत भक्त थे, आपके वो दादा है ना, क्या हमारा जो मेरे दादा लगते, बड़े ज्ञानी भक्त थे। आपके पिता विरोचन महाराज तो अति उदार थे। मैंने ऐसा सुना है, एक ब्राह्मण को विरोचन राजा ने दान में अपना आयुष दिया था। ब्राह्मण का आयुष पूरा हो गया था, विरोचन राजा को खबर पड़ी मेरा आयुष आपको मिले, आपकी जगत को जरूरत है। समाज में बहुत से लोग अज्ञान से दुखी होते हैं, दुख का कारण अज्ञान होता है। समाज का अज्ञान दूर करना, जगत को ज्ञान देना ब्राह्मण का काम है। आपकी जगत को बहुत जरूरत है। ब्राह्मण का आयुष पूरा हुआ था, विरोचन राजा ने अपना आयुष ब्राह्मण को दान में दिया था। विरोचन महाराज बड़े उदार थे, वो आपके पिताजी है, कहा महाराज वो मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी ने ब्राह्मण को आयुष दिया था। आपके दादा प्रह्लाद तो महान भगवत भक्त थे, पर दादा हिरण्यकश्यप महान वीर थे, इंद्रादिक देवों का भी उन्होंने परारोह किया था। मेरे को तो ऐसा दिखता है, पर दादा हिरण्यकश्यप की शक्ति, दादा प्रह्लाद जी की भक्ति और पिता विरोचन महाराज की उदारता, ये सभी सद्गुण तेरे में 16 नहीं आ गए, बड़ी उदार हो। मेरे को विश्वास है, मैं जो मांगूंगा सो मेरे को मिलने वाला ही है। बली को वचन में बांध दिया है। बली राजा को आनंद होता है, महाराज मांगो जो मांगो सो मैं आपको दूंगा। राजा मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं, मैं ज्यादा लेने के लिए आया नहीं, मेरे पांव से माफ करके
तीन पांव पृथ्वी का दान लेने के लिए आया। मणि राजा मन में बोले, हंसने लगे, मन में विचार करते हैं, अवस्था बहुत छोटी है, सो बुद्धि अभी कच्ची है, मांगना आया नहीं, बड़े ज्ञानी है, अवस्था बहुत छोटी है, मेरे को कहते तीन पांव पृथ्वी का मेरे को दान। बलि राजा ने वंदन करके कहा है, दान लेने वाले को संतोष हो गए ये तो ठीक है, दान देने वाले को भी संतोष होना चाहिए, ये बहुत ही कम है। मैं अपना परिचय आपको कैसा दूं, आत्म परिचय कभी अपने मुख से नहीं देना चाहिए, आपका परिचय दूसरा कोई भले देवे, अपना परिचय जो अपने मुख से देता है उसके पुण्य का नाश हो जाता है, आयुष का नाश होता है। मेरे को बोलने की इच्छा नहीं है, क्या करूं, आज बोलना पड़ता है, इस संसार में मेरी ऐसी प्रसिद्धि है, जिस ब्राह्मण को मैं दान देता हूं वह ब्राह्मण दूसरे के घर में कभी दान लेने के लिए जाता ही नहीं है, जगत में मेरी ऐसी प्रसिद्धि है, आज मेरे यहाँ दान लेने के लिए आए हो, फिर से दूसरे किसी के यहाँ दान लेने के लिए जाओ, ये मेरे लिए अच्छा नहीं, ये तो बहुत ही कम है। आपका दर्शन करने से ही मैं समझ गया आप संतोषी ब्राह्मण हो, आप लोभी नहीं हो, ये तो बहुत ही कम है, तीन पांव पृथ्वी से क्या होने वाला है। महाराज आप बड़े हो गए तो आपका लग्न होगा, लग्न होने के बाद संध्या गायत्री तपश्चर्या छोड़ करके पैसे के लिए प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, आप बड़े तपस्वी लगते हो, भगवान की भक्ति छोड़ करके पैसे के लिए प्रवृत्ति करने में आपको दुख होगा। मैं कैसा मुंह रखूं, भगवान को छोड़ करके पैसे के पीछे पड़ा हो, आप बड़े तपस्वी लगते हो, तीन पांव पृथ्वी से क्या होने वाला है, ये तो बहुत ही कम है। तीन गांव का दान मैं आपको करूं, दिन भर आप संध्या गायत्री करो, कुटुंब का भरण पोषण हो रहे, तीन पांव पृथ्वी से कुछ होता नहीं है, तीन गांव मैं आपको देने के लिए तैयार, आप कुछ ज्यादा मांगो ये बहुत ही कम है। वामन जी ने कहा है, राजन आप तो बहुत देने के लिए तैयार हो, मेरे को तो विचार करना चाहिए, अति संग्रह करने के लिए जो दान दे लेता है उसका पतन हो जाता है, जिसकी बहुत जरूरत है उतना दान लेना ब्राह्मण का धर्म है, संध्या गायत्री सत्कर्म करने से पाप का नाश होता है, जो अति संग्रह करने के लिए दान लेता है, यावदर्थ प्रतिग्रह, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, लाभ से लोभ बढ़ता है, लोभ ही पाप कराता है। मैंने ऐसा सुना है बड़े बड़े राजा लोग लोभ से पाप करते थे, पाप का बाप लोभ है। मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, साधु और ब्राह्मण के जीवन में अति संतोष होना चाहिए, क्षत्रिय और वैश्य थोड़ा लोभ करे क्षम्य है, साधु लोभ करे ब्राह्मण लोभ करे भगवान नाराज हो जाते, संतोष ही धन है, ज्यादा लेकर के मैं क्या करूं। बलि राजा को थोड़ा अभिमान था, मैं बहुत दान देता हूं, मेरे जैसा उदार कोई नहीं है। वामन जी ने कहा, तेरे जैसा दान देने वाला कोई नहीं है, याद रखना मेरे जैसा दान लेने वाला भी तेरे को कोई नहीं मिलेगा, तू जो सब कुछ देने के लिए तैयार है मेरे को लेना नहीं है, ज्यादा लेकर के मैं क्या करूं। आज तक कहीं भी मैं दान लेने के लिए गया नहीं,
आज ही तेरे घर में दान लेने के लिए आया। एक गृहस्थ के चबूतरे में बैठ करके मैं संध्या करता था। गृहस्थ बाहर गए थे, आए और उन्होंने मेरे को पूछा, कौन हो, यहाँ क्यों बैठे हो, ये चबूतरा मेरा है। मैंने कहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, संध्या करने के लिए बैठा हूँ, संध्या हो जाए कि फिर उठ जाता हूँ, मैं आपको नहीं जानता, उठो यहाँ से। आजकल बहुत से लोग ऐसे हुए हैं, दिवस में आकर के सब देख लेते हैं और वे ही रात्रि में चोरी करने के लिए आते, उठो यहाँ से, ये चबूतरा मेरा है, मरने के बाद छाती के ऊपर बांध करके ले जाना है। मानव को ज्ञान नहीं, मेरा क्या है, मेरा क्या है, जो बराबर समझता है वो कभी झगड़ा नहीं करता। मेरा अपमान हुआ, मेरे को कहा उठो यहां से, मैं आपको पहचानता नहीं हूं। मेरी संध्या में गायत्री में विक्षेप हुआ, मेरे को दुख हुआ, अपनी मालकी की जगह हो गए तो दिन भर में गायत्री जप करो, संध्या करो, तपश्चर्या करो, कोई उठावे नहीं। मेरी तो ऐसी इच्छा है तेरी जगह में बैठ करके मेरे को गायत्री का पुरस्करण करना। अरे राजा को आनंद हुआ, ऐसा तपस्वी ब्राह्मण मेरी भूमि में बैठ करके गायत्री का जप करेगा तो मेरा उद्धार हो जाए। मैं ज्यादा लेने के लिए नहीं आया, मैं दिन भर तपश्चर्या करता हूँ, अतिशय भूख लगती है तब मधुकरी मांगने के लिए जाता हूँ, मधुकरी में जो कुछ मिले संतोष मानता, संतोष ही मेरा धन है। बलि राजा को आश्चर्य होता है, अवस्था तो बहुत छोटी है, कैसा बोलते, ऐसे तपस्वी ब्राह्मण जगत में है, इसीलिए तो ये धरती टिकती है, जगत में पाप बहुत बढ़ गया। भजनानंदी संत है, तपस्वी ब्राह्मण है, वे ही पृथ्वी को टिकाते हैं। धन्य है आपके माता पिता को, अब ज्यादा कुछ भी नहीं लोगे कि ज्यादा लेकर के मैं क्या करूं। बलि राजा ने वंदन करके कहा है, आपकी इच्छा अनुसार आज तीन पाव पृथ्वी का मैं दान करता हूँ, मेरे को संतोष हुआ नहीं है, महाराज आपको किसी भी वस्तु की जरूरत पड़े तो मेरे घर में आना, इस घर में जो कुछ है सभी आपका ही है, मैं फिर से आपकी सेवा करूं, आज मेरे को संतोष हुआ नहीं, आपकी आज्ञा अनुसार तीन पाव पृथ्वी का मैं दान करता हूँ। वामन जी ने स्मित हास्य किया है, आज तीन पाव पृथ्वी का दान कर दे, पीछे की बात सब पीछे हो जाए, आज बोलने की क्या जरूरत। बलि महाराज संकल्प करने के लिए तैयार हुए हैं, यज्ञ मंडप में शुक्राचार्य विराजते थे, शुक्राचार्य वामन जी महाराज का दर्शन करते हैं, चरण से मुखारविंद तक सर्वांग को निहारते हैं, कैसा ही ब्राह्मण है, दिखता है बहुत छोटा, इसकी बुद्धि कैसी है, ये कौन आया है। शुक्राचार्य बड़े ज्ञानी हैं, चरण से मुखारविंद तक सर्वांग को निहारते हैं, शुक्राचार्य समझ गए हैं ये परमात्मा आए हैं। बलि राजा को कहा है, दान देवी की उतावल करना नहीं, ये ब्रह्मचारी के पांव कैसे हैं तू जानता नहीं है, उनमें बराबर मैं जानता हूं, ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है। वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए साक्षात नारायण वामन जी के स्वरूप से प्रकट हुए, दो पांव में तेरा सब राज आ जाएगा, तीसरा पांव रखने की जगह ही रहेगी नहीं, तेरे को पाताल में ढकेल देगा, मैं इसको पहचानता हूं। ऐसा दान नहीं देना चाहिए जो दान देने के बाद घर के बालक दुखी हो, दान विवेक से देना है, अति दान देना अच्छा नहीं है, बहुत दान देने से भी मन की शुद्धि नहीं होती,
दान देने से द्रव्य की शुद्धि होती है, स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, परमात्मा का ध्यान करने से ही मन की शुद्धि होती है। श्रीमान लोग बहुत दान देते हैं, अच्छा है, मन शुद्ध नहीं होता है। अतिशय दान देने की क्या जरूरत है? ऐसा दान नहीं देना चाहिए जो दान देने के बाद घर के बालक दुखी हो गए। ऐसा तो आप कोई देने वाले नहीं हो। शुक्राचार्य समझाते हैं, दान विवेक से देना है। घर में जो कुछ धन आवे उसमें से पंचमांश भाग धर्म के लिए अलग रखना चाहिए। धन जिसका शुद्ध है उसी का मन शुद्ध रहता है। धन की शुद्धि दान से होती है। 100 रुपया घर में आवे कि 20 रुपया अलग रखना चाहिए। किसी सत्कर्म में, परोपकार में आपके हाथ से उसका उपयोग करो। जिस धन का आप अपने हाथ से उपयोग करोगे वो साथ में आवेगा। बैंक में जो रखा है वो साथ में नहीं आता है। पैसा कमाना बड़ा कठिन नहीं है, हाथ में आए हुए पैसा का सदुपयोग करना बड़ा कठिन। पैसा लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी का दुरुपयोग होवे तो लक्ष्मी जी साथ देती है। बहुत से लोग ऐसे हुए हैं उनका पैसा शादी में ही बहुत जाता है, बहुत से लोगों का पैसा पत्थर में जाता है, कितने लोगों का पैसा फैशन में जाता है, व्यसन में जाता है। पैसा लक्ष्मी का स्वरूप है, पैसे का दुरुपयोग लक्ष्मी जी का अपमान है। धन का विवेक से सदुपयोग करो। पंचमांश भाग धर्म के लिए अलग रखो। भागवत में तो पंचमांश भाग अलग रखने की आज्ञा दी है। मनु महाराज ने थोड़ा नियम में परिवर्तन किया है, पंचमांश नहीं दशमांश भाग अलग रखना चाहिए। मनु महाराज जानते थे कलयुग में महंगाई बहुत होने वाली है, इसीलिए मनु महाराज ने नियम में थोड़ा परिवर्तन किया है। दशमांश नहीं पंचमांश नहीं दशमांश भाग अलग रखो। 100 रुपया घर में आवे तो 10 रुपया अलग रखो। एक धन का भाग धर्म के लिए रखो, गृहस्थ के लिए मोह शोक में लौकिक सुख में थोड़ा धन का उपयोग करे तो क्षण में। कामाय शब्द लिखा है, कितने लोगों का पैसा फैशन में ही बहुत जाता है, व्यसन में जाता है। एक धन का भाग काम सुख में मोह शोक के लिए जावे क्षम्य है। भविष्य का विचार करके थोड़ा संग्रह करना चाहिए। कलयुग के लोग धन को ही मान देते हैं, जिसके हाथ में पैसा नहीं है बहुत से सद्गुण होने पर भी उसको मान नहीं मिलता है, तिरस्कार होता है। कलयुग के लोग धन को ही मान देते हैं। हाथ में पैसा न होवे तो घर के लोग भी तिरस्कार करते हैं, पैसे को ही मान मिलता है। भविष्य का विचार करके संग्रह कर। आपके हाथ में पैसा होगे तो धन के लोभ से भी पुत्र थोड़ी सेवा करेगा। कलयुग के कितने पुत्र ऐसे हुए हैं माँ बाप को कुछ देते ही नहीं, जो कुछ मिलता है उसे अपनी बहू को ही दे देते हैं, माता पिता को कुछ भी नहीं देते। कितने लोग तो माता पिता को अनाथ आश्रम में रखने के लिए ले जाते। भविष्य का विचार करके थोड़ा संग्रह कर। अति संग्रह कर रहा नहीं, अति संग्रह में से विग्रह उत्पन्न होता है। अति संग्रह से मन बिगड़ता है, विवेक से थोड़ा संग्रह कर। शुक्राचार्य जी समझाते हैं, इस ब्राह्मण को तू दान देगा तेरे को बैठने की भी जगह रहेगी नहीं, तू दरिद्री हो जाएगा, तू
दुखी होगा, इसलिए मैं तेरे को सावधान करता हूँ। बलि राजा ने कहा है, आपने मेरे को सुंदर उपदेश दिया है, मैं वैष्णव हूँ, मेरा ऐसा नियम है मेरे नारायण की पूजा करने के बाद भगवान के चरण में तुलसी जी अर्पण करता हूँ और मैं बोलता हूँ मैं शरण में आया हूँ, मैं आपका हूँ, ये शरीर आपको अर्पण है, मेरा मन मेरा धन आपको अर्पण है, मैं आपका हूँ, ऐसा बोल करके मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। अभी तक तो मैं मानता था ये कोई ब्राह्मण का बालक मांगने के लिए आया है, आपने ही मेरे को कहे तो नारायण आए, परमात्मा आए हैं, मैं अपना सर्वस्व इनको दूंगा, भले मैं दरिद्री हो जाऊं तो क्या हर्ज है, संपत्ति का जिसने सदुपयोग किया है उसको विपत्ति में भी शांति मिलती है। परमात्मा मेरे घर में आए हैं, मैं सर्वस्व दान दूंगा, जगत में कीर्ति मेरी रहेगी, दान देने वाला बड़ा के दान लेने वाला बड़ा, दान लेने वाले का हाथ नीचे होता है और दान देने वाले का हाथ ऊपर होता है, जिसका लगन होने वाला होता है वो वर राजा अपने को बड़ा सयाना समझता है, मैं वर राजा हूँ, मेरी पूजा करेंगे मेरा जुलूस निकलेगा, ये वर राजा को ज्ञान नहीं होता है, वर राजा और भिखारी दोनों समान ही होते हैं, भिखारी रोता हुआ भीख मांगने के लिए आता है और ये वर राजा जुलूस लेकर के भी भीख मांगने के लिए आता है। कन्या का दान जो देता है कन्या दान करने वाला बड़ा है, कन्या दान लेने वाला हल्का होता है। वरांजल युपरिस्थ कन्या अंजल ही, मेरी जगत में कीर्ति रहेगी, लोग कहेंगे बलि ने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण किया, भले मैं दरिद्री हो जाऊं, आप संकल्प कराओ। शुक्राचार्य ने कहा मेरे को दिखता है मेरे यजमान का कल्याण नहीं है, अब तू दरिद्री हो जाएगा, ऐसा मैं संकल्प नहीं कराऊंगा, यजमान के हित का जो विचार करते हैं उसी को पुरोहित करते, तेरा पतन होगा, ऐसा मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। वामन जी ने कहा है राजा मैं सब कुछ पढ़ करके आया हूँ, मैं संकल्प करा दूंगा तेरे आज। वामन जी महाराज संकल्प कराते हैं, तिथि नक्षत्र का उच्चार किया है, एवं गुण ग्रह गण विशेष विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ महाविष्णु स्वरूपे ब्राह्मणाय त्रिपदा भूमिम दातुम अहम उत्सृजे। संकल्प बोले हैं दान लेने वाला भगवान है, भगवान इस रूप से लेने के लिए आए, लेने वाले में भगवान का दर्शन करो, भगवान किसी रूप से लेने के लिए आते हैं और देते भी भगवान है। ब्राह्मण में महाविष्णु का दर्शन है, भगवान नारायण इस स्वरूप से लेने के लिए आए, दान का संकल्प बोलते हैं। बलि राजा को कहा झारी में से थोड़ा जल मेरे हाथ में दे दे कि संकल्प सफल हो गया पूरा हो गया। बलि महाराज झारी में से जल देने के लिए जाते हैं, अंदर शुक्राचार्य जाकर के बैठे थे, जल बाहर आता ही नहीं। वामन जी महाराज समझ गए हैं शुक्राचार्य कुछ विघ्न करते हैं, वामन जी महाराज ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी दर्भ ले करके आए थे, दर्भ की एक सलाका अंदर डाली है, शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ डाली। शुक्राचार्य ने विचार किया अब ज्यादा विघ्न करूं तो मेरे को अंधा बना दे रहे, भगवान दया से सजा करते हैं, दया है, दो आंख फोड़ते नहीं एक ही आंख फोड़ डाली है। शुक्राचार्य बड़े ज्ञानी हैं, शुक्राचार्य को भगवान समझाते हैं आप दो आंख से जगत को क्यों देखते हो, जो दो आंख से जगत को देखता है उसका ज्ञान बढ़ जाता है, ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है, ज्ञान को टिकाना बड़ा कठिन है, ज्ञान को वही टिका सकता है जो एक आंख जगत को देता है और एक आंख जो भगवान में रखता है,
एक आंख से सब कुछ दिखता है, दो आंख से जगत को देखना नहीं, एक आंख भगवान है। इसका अर्थ यह होता है मेरे को भगवान के चरण में जाना। दो आंख से जो जगत को देखता है उसका ज्ञान बढ़ जाता है। एक आंख भगवान में रखो और एक आंख जगत को दो। भगवान ने दो हाथ दिए हैं, एक हाथ से संसार व्यवहार का काम करो और एक हाथ से भगवान का काम करो। शुक्राचार्य की एक आंख को डाली है, शुक्राचार्य समझ गए। यजन्ति यज्ञ क्रतुभिर्यमादृताः भवन्त आम्नाय विधान कोविदाः सैव विष्णुर्वरदोऽस्तु वापरोः दास्याम्यमुष्मै क्षितिमीप्सिताम् मुने। दान का संकल्प हुआ तभी तक वामन जी महाराज 6-7 वर्ष के छोटे से ब्रह्मचारी रूप से विराजमान थे। जहाँ संकल्प हुआ धीरे धीरे स्वरूप को बढ़ाने लगे हैं। स्वरूप को ऐसा बढ़ाया है 1000 हाथ प्रकट हुए। वामन जी महाराज के चरण धरती में है और मस्तक ब्रह्मलोक तक गया है। जगत भगवान में है, जगत के आधार भगवान है, भगवान का आधार कोई नहीं है। ईश्वर वह है जिसका कोई आधार नहीं है, जो सबका आधार है, जो सर्व का आधार, जिसका कोई आधार नहीं, निराधार, वही ईश्वर है। वामन जी महाराज का स्वरूप इतना बढ़ गया है, इंद्रलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक वामन जी महाराज के श्रीअंग में दिखते हैं। दर्शन करने में बहुत भय लगता है, मस्तक ब्रह्मलोक तक गया है। सभी देव गंधर्व वामन जी महाराज के शरीर में है। भगवान सभी के आधार है, जगत को भगवान में देखना है, जगत को भगवान के साथ में देखना है। साधारण मानव जगत को ईश्वर से अलग करके देखता है, इसीलिए आंख और मन बिगड़ जाता है। जगत को जो भगवान में देखता है, जगत को जो भगवान के साथ में देखता है, उसका मन नहीं बिगड़ता नहीं है। कोई भी वस्तु निराधार नहीं रह सकती है, सबके आधार भगवान है। पृथ्वी जल में है, जल तेज में है, तेज वायु में है, वायु आकाश में है और आकाश भगवान में है। आत्मन आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः। सबके आधार भगवान है। वामन जी का स्वरूप अतिशय विशाल है, चरण पृथ्वी में है, मस्तक ब्रह्मलोक तक गया। दो पांव में बलि राजा का राज आ गया है, तीसरा चरण रखने की जगह ही रही नहीं है। बलि को कहा है 3 पांव पृथ्वी का मैं दान करूंगा, ऐसा तुमने संकल्प किया है। जो संकल्प के अनुसार दान नहीं देता उसकी दुर्गति होती है। मेरा 1 पांव बाकी है। बलि जीवात्मा है, वामन जी महाराज परमात्मा है। यह जीव जब बलवान होता है तब भगवान उसके घर में आते हैं। बलवान बनो, बलवान का अर्थ पहलवान ऐसा नहीं होता है। प्रेम बल को जो बढ़ाता है वही बलवान है। द्रव्य बल, बुद्धि बल, शरीर बल, ज्ञान बल, सभी की जब हार होती है तब प्रेम की जीत होती है। जिसने प्रेम बल बढ़ाया है वही बली है। जीव परमात्मा को प्रेम से ही वश कर सकता है। प्रेम बल जब बढ़ता है तब भगवान वामन होकर के आते हैं। भगवान 3 पांव पृथ्वी मांगते हैं, 4 पांव नहीं मांगते हैं, 2 पांव नहीं मांगते। तन मन और धन ये 3 पांव है। भगवान की भक्ति शरीर से करो।
शरीर भगवान की सेवा में, परोपकार में, सत्कर्म में घिसा हो। शरीर को बहुत सुख देने से शरीर बिगड़ जाता है। सत्कर्म में शरीर को घिसाना है, तन से भक्ति करो। भगवान ने धन दिया हो तो धन से भी भक्ति करो। लक्ष्मी मेरी नहीं है, लक्ष्मी नारायण की है। जो ऐसा मानता है लक्ष्मी मेरी है उसको मार पड़ता है। लक्ष्मी नारायण की है ऐसा जो समझता है उसको लक्ष्मी जी नारायण के गोद में बिठाती है। तन से भक्ति करो, धन से भक्ति करो और मन से भी भक्ति करो। मन से भक्ति करने का अर्थ यह है भगवान को मन स्पर्श करे। मन भगवान को स्पर्श करे तो भगवान का आनंद मिलता है। तन मन और धन यही तीन पाव है। बलि राजा ने धन दिया, मन दिया, तन दिया नहीं है। बलि महाराज ऐसा मानते हैं दान देने वाला बड़ा है और दान लेने वाला हल्का है। बलि अभिमान में खड़े हैं। दान तो अभिमान को मारने के लिए होता है। कितने लोग दान देते हैं फिर बहुत अक्कड़ में चलते हैं। दान से दीनता आनी चाहिए, अभिमान मरना चाहिए। बहुत से लोग दान देते हैं कीर्ति के लिए देते हैं। ये तामसी दान माना जाता है। बलि महाराज ऐसा मानते हैं दान देने वाला बड़ा है। दान देने वाले का हाथ ऊपर होता है। अरे दान देने वाला बड़ा नहीं है और दान लेने वाला हल्का नहीं। दान भगवान देते हैं और दान लेने के लिए भगवान ही आते हैं। मैं तो हाथ जोड़ करके खड़ा हूँ, भगवान का स्मरण करते हुए ऐसी भावना करो भगवान दान देते हैं और भगवान ही दान लेने के लिए आए हैं। ऐसे भाव से जो दान देता है उसको दान का हजार गुना पुण्य मिलता है।